हाय, क्या आप जानते हैं डिशवॉशर के अंदर दो तरीके का ड्राइंग टेक्नोलॉजी मिलता है। पहला आपको बोलता है हीट एक्सचेंजर टेक्नोलॉजी। जितने भी इंडिया में आपको सारे ब्रांड्स के अंदर जो भी डिशवॉशर देखने को मिलेगा, सबके अंदर आपको ये हीट एक्सचेंजर टेक्नोलॉजी आपको। दूसरा आपको टेक्नोलॉजी मिलता है ज़ियोलिथ ड्राइंग टेक्नोलॉजी, जो कि ज़ियोलाइट मिनरल्स बेस्ड ड्राइंग टेक्नोलॉजी होती है, और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी नेचुरल वे में जो है ड्राइंग करता है। अब इन दोनों ड्राइंग टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन कौन से मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ज़ियोलिथ मॉडल के अंदर मैंने सीमेंस के डिशवॉशर के ऊपर भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उस वाले वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सीमेंस डिशवॉशर का सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियोज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज का भी वीडियो जो बेसिकली है हमारा ज़ियोलिथ ड्राइंग डिशवॉशर का है। ये बेसिकली बॉश का फ्लैगशिप मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल आता है बॉश का। 14 डेज के ज़ियोलिथ ड्राइंग टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिल जाता है। अब ये ज़ियोलिथ ड्राइंग टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल है। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो SMS6ZCW42E का मॉडल नंबर है। फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी से ये मॉडल आता है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब है इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, तो कोई प्रॉपर इसको लोकेशन देने का जरूरत नहीं होता है। 14 प्लेस सेटिंग का ये मॉडल है। 14 प्लेस का मतलब जो 14% जो मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज़ कर रहे हैं, आप एट अ टाइम उन सारे यूटेंसिल्स को आप वॉश कर सकते हैं। एंड वाइट कलर की फिनिशिंग के अंदर ये मॉडल देखने को मिलेगा। एंड इसकी मैं कंट्री ओरिजिन की बात करूँ तो मेड इन जर्मनी इसका कंट्री ओरिजिन है। तो बॉस एंड जीमेंस का जितना प्रोडक्ट जिसका जो ओरिजिन जो उसका मेड इन जर्मनी होता है, उनका जो क्वालिटी है बहुत सुपीरियर होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का वो प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिशवॉशर के इंटीरियर की। यहाँ पर आपको मिलेगा बॉटम बास्केट, जितने आपके हैवीली सॉइल डिशेज होते हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पतीले, भगोने, वो सारा यूटेंसिल आप इस बॉटम वाली बास्केट में रख के आप वॉश कर सकते हैं। देन इसका अपर बास्केट आपको मिलता है लाइक स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए, तो सारा स्मॉल यूटेंसिल्स आप इसके अंदर प्रॉपर रख के वॉश कर सकते हैं। देन थर्ड आपको मिलता है इसका कटलेरी ट्रे, तो जितना भी आपका कटलेरी है वो सारा प्रॉपर तरीके से आप इसमें रख के वॉश कर सकते हैं। देन इसके अगर मैं मिड वाले बास्केट की बात करूँ, इसका हाइट भी आप 5 सेंटीमीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली 3 लेवल तक इसका आपको ट्रे को आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसमें इसके इंटीरियर में, आपका 2 स्प्रे आर्म इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें वाटर का रोटेशन है वो 360 डिग्री प्रॉपर तरीके से डिशवॉशर के अंदर आपको देखने को, फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो जितना भी आपका बिग फूड पार्टिकल है वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, तो आप इसको निकाल के मैनुअली आप वॉश कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके सॉल्ट कंटेनर की, तो सॉल्ट कंटेनर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप पूरा एक पैकेट सॉल्ट आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना आपका वाटर का हार्डनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन यूज़ करता है। देन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मशीन आपको इंडिकेट करेगा। देन यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका वाटर सॉफ्टनर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो हार्ड वाटर है उसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करके आपकी मशीन को प्रॉपर तरीके से आप ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। देन इसके अगर अंदर आप देखें तो यहाँ पर एक कंटेनर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ज़ियोलाइट मिनरल्स इसके अंदर फीड रहते हैं। ये ज़ियोलाइट मिनरल्स कैसे काम करते हैं ये मैं आपको आगे अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। प्लस इसके अगर आप टॉप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप शावर का फीचर देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर तरीके से रिंसिंग इफेक्ट आपके यूटेंसिल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे।
का रिनसेट कंटेनर आपको देखने को मिलेगा, तो रिनसेट आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिल करना है। जब ये रिनसेट आपका ख़त्म हो जाएगा तो मशीन आपको रिफिल करने के लिए इंडिकेट करेगी। वॉशिंग के लिए यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर भी। ये आपने हर टाइम डालना है जितनी बार भी आपने वॉश करना है। प्लस इसका अगर आप इंटरनल कैविटी की बात करें तो प्योर स्टेनलेस स्टील का कैविटी इसके अंदर आपको मिल जाता है। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो परफेक्ट ड्राई के नाम से ज़ियोलिट मिनरल्स बेस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इस बॉश के डिशवाशर में आपको देखने को मिल जाती है। जिसमें क्या है कि यहाँ पर जो आप ये चैम्बर आपने देखा था जिसके अंदर ज़ियोलाइट मिनरल्स फीड हैं, ज़ियोलाइट मिनरल्स क्या करते हैं, जैसे ही वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और उस रिलीज की हुई एनर्जी के थ्रू हमारा जो यूटेंसिल है वो ड्राई होता है। प्लस आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3D एयर सिस्टम देखने को मिलेगा, तो 3D एयर सिस्टम प्लस ज़ियोलाइट मिनरल से जो आपका हीट निकलता है उसके थ्रू आपको प्रॉपर ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस ड्राइंग का सबसे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको ड्राइंग जो है बेटर देखने को मिलेगी, फास्टर देखने को मिलेगी एंड एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिलेगी। जनरली जो नॉर्मल जो हीट एक्सचेंजर ड्राइंग वाले जो आपने डिशवाशर देखे उनके अंदर आपने देखा होगा जब आप उसमें प्लास्टिक का यूटेंसिल जब आप उसमें वॉश कर सकते हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि कई बार वो प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होता है, तो उसको ड्राई करने के लिए हम लोग उसमें एक्स्ट्रा ड्राई का वॉश ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा ड्राई के वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो डिशवाशर और ज़्यादा पावर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये इस वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलता है कि ज़ियोलाइट मिनरल्स बेस्ड ड्राइंग के अंदर आपको नेचुरल वे में ड्राइंग देखने को मिलेगी और इस वाली मशीन का जो पावर कंजप्शन होता है वो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होम कनेक्ट का फीचर। अब आपको बॉश के डिशवाशर में इंडिया में भी देखने को मिलेगा, तो बॉश का जितना भी एंटायर रेंज आपको देखने को मिलेगा वो IoT एनेबल्ड डिशवाशर देखने को मिलेगा। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप ये बटन देख रहे हैं, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका वाईफाई का साइन आ जाएगा, ये आपका होम कनेक्ट का साइन आपको देखने को मिला। तो आपने घर के वाईफाई को इस डिशवाशर के साथ आप पेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाईफाई के और होम कनेक्ट का क्या बेनिफिट है, एक तो रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को आप रिमोटली अपने मोबाइल से अपने टैबलेट से आप डिशवाशर को मॉनिटर कर सकते हैं, इसको कमांड देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन फ्यूचर कंपनी अगर कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस होम कनेक्ट फीचर आप उस प्रोग्राम को अपने डिशवाशर में डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इंटीग्रेशन मिलेगा वॉइस असिस्टेंट एंड स्मार्ट वॉचेस। वॉइस के थ्रू और अपनी स्मार्ट वॉचेस के थ्रू भी आप अपने डिशवाशर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक गूगल, एलेक्सा वॉइस, फिटबिट, एप्पल, एंड्रॉयड, इन सब के साथ आपको इसमें यूज़ करने का फीचर देखने को मिल जाएगा। देन फोर्थ आपको मिलता है इसमें नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर का। कोई प्रोग्राम आपका रन कर रहा है तो आपके उस प्रोग्रामिंग का टाइमिंग वगैरह, उसका कंप्लीट होने का प्रोसेस आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, लाइक इसका डिशवाशर को आपको कब क्लीन करना है तो मशीन आपको इंडिकेट करेगी, रिमाइंडर आपको देगी। देन अप्लाइंस का सॉफ्टवेयर अपडेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो नॉन वाईफाई वाले या नॉन होम कनेक्ट वाले जो डिशवाशर है उसमें सर्विस का पर्सन आके उसको अपडेट करता है, बट यहाँ पर आप कस्टमर के एंड से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। देन ईजी स्टार्ट असिस्टेंट, इसको स्टार्ट करना, इसको असिस्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस होम कनेक्ट फीचर। प्लस रिमोट डायग्नोसिस, कई बार क्या होता है कोई छोटा मोटा एरर डिशवाशर के अंदर या किसी मशीन के अंदर आपको देखने को मिलता है तो आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, या अपना सर्विस पर्सन को भी आप रिमोटली आप डिशवाशर को रिमोट पर लेके भी आप उसको एक्सेस देके आप अपने डिशवाशर का जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये सारा फीचर आपको होम कनेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 3-स्टेज रैकमेटिक डिज़ाइन। इसका जो अपर वाला ये बास्केट है इसको आप 3 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको 3 लेवल तक आप एडजस्ट कर सकते हैं।
जैसे आप कोई बड़ा यूटेंसिल्स आप नीचे रखना चाहेंगे तो उसका हाइट आप ऊपर कट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप अपना कोई लॉन्ग स्टीम ग्लास रखना चाहते हैं तो उसका हाइट आप इसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉस के इस फ्लेक्सिक डिशवाशर के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्लीन जोन का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3 वाटर नोजल देखने को मिलेंगी, जिसके थ्रू जो अपर वाले बास्केट में भी आप अपना हैवीली सॉइल डिशेस जो आप इसमें प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं, एंड इसको आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये फीचर उस टाइम नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपके वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आपको मिलता है डोजेज असिस्ट का। जनरली डिशवाशर में एक प्रॉब्लम देखा गया है, जब हम लोग इसमें अपना डिटर्जेंट या टैबलेट हम डालते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बॉटम वाले एरिया में जाके डिपॉजिट होता है। बट बॉस के डिशवाशर में आपको डोजेज असिस्ट का फीचर मिलता है। जैसे आप इसमें डिटर्जेंट का टैबलेट आप इसमें डालते हैं और जैसे इसका डोर आप क्लोज करते हैं तो वो टैबलेट निकल के इस वाले स्पेशल ट्रे में जाके रुकता है। तो यहाँ पर क्या, वो प्रॉपर तरीके से जो वाटर का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, तो जो वाटर का एंड जो उसका डिटर्जेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इवन रहता है आपके यूटेंसिल्स के ऊपर। तो वहाँ पर जो आपके यूटेंसिल्स में आपको क्लीनिंग के जो रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्वा सेंसर एंड लोड सेंसर के फीचर की। एक्वा सेंसर में क्या है कि जब ये डिशवाशर फाइनल रिंसिंग जो करता है तो फाइनल रिंसिंग के बाद उस वाटर का ये डेंसिटी चेक करता है, अगर ये वाटर उसको साफ दिखता है तो वो स्टोर कर लेता है नेक्स्ट प्री रिंस के लिए। तो यहाँ पर जो डिशवाशर है 3 to 5 liter वाटर सेव करता है। देन लोड सेंसर का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम वॉशिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिले लोड के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रोग्राम के साथ वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है इसमें इको साइलेंस ड्राइव का। बॉस का सबसे पावरफुल सबसे फेमस इको साइलेंस ड्राइव मोटर बॉस के डिशवाशर में भी आपको देखने को मिलता है। ये BLDC मोटर होता है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, जो आपका वेरिएबल स्पीड पे काम करता है आपके अकॉर्डिंग टू जो भी वॉश प्रोग्राम आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस मोटर की हेल्प से जो आपका जो मोटर का पावर है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, क्वाइट हो जाता है और एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। तो पावर कंजम्पशन जो इस मोटर का होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो 14 प्ले सेटिंग के साथ ये मॉडल देखने को मिलता है कि 14% के अकॉर्डिंगली ये मॉडल डिज़ाइन किया गया है। इसके एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो 0.74 किलोवाट आर इसका पावर कंजम्पशन है। इसके वाटर कंजम्पशन की बात करूँ तो 9.5 लीटर इसका वाटर कंजम्पशन है। एंड नॉइस लेवल जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो 44 डेसिबल देखने को मिलेगा। एंड इसकी डायमेंशंस की बात करूँ तो 84.5 सेंटीमीटर का इसका हाइट मिलता है, 60 सेंटीमीटर का इसका विड्थ एंड 60 सेंटीमीटर का इसका डेप्थ देखने को मिलता है। इसके मैं अगर नेट वेट की बात करूँ तो 54.5 kg का इसका नेट वेट देखने को मिलता है। प्लस इस डिशवाशर के अंदर जो इसका रिमूवल टॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका टॉप जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो 84.5 सेंटीमीटर का हाइट जो उसका ओरिजिन रहता है, टॉप को रिमूव करने के बाद 82 सेंटीमीटर का रह जाता है। एंड इसका टॉप कैसे रिमूव करते हैं, आइए देखते हैं कि इसका डिशवाशर का हम लोग टॉप किस तरह से रिमूव करते हैं। आप इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 2 क्लिप देखने को मिलेंगी।
ये आप देख सकते हैं दो क्लिप इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही इस क्लिप को आप इसको प्रेस करेंगे देन इसका जो डिशवाशर का टॉप है वो अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं या इसके ऊपर आप चाहो तो एक एक्रेलिक का शीट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि कॉकरोच वगैरह इसके अंदर ना जाएं। तो यहाँ पर आप इसका टॉप रिमूव करके आप इसका हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस करके अपने किचन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं डिशवाशर के वॉशिंग प्रोग्राम की। जैसे पहला आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है आपको इको 50 डिग्री का। इको 50 डिग्री के अंदर जो मशीन है जो इकोनॉमिकल मोड में वर्क करती है, इसमें मशीन एक बार रिंस करेगी देन यूटेंसिल को क्लीन करेगी 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, देन इमीडिएट रिंस करने के बाद जो फाइनल रिंसिंग जो डिशवाशर करेगा वो 35 डिग्री सेल्सियस में करेगा, देन उसके बाद ये आपका प्रॉपर ड्राइंग देखने को मिल जाएगा। तो उसमें टाइमिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो टोटल 4 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साथ आप चाहो तो इसमें स्पीड परफेक्ट का भी आप ऑप्शन इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्पीड परफेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो उसका टाइमिंग रह जाता है वो 1 घंटे 11 मिनट का रह जाता है, बट स्पीड परफेक्ट को ऑन करते ही इसका जो वाटर कंजम्पशन है पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्राई का फीचर भी आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ड्राई का फीचर एड ऑन करने के बाद जो उसका टोटल टाइमिंग रहता है वो 1 घंटा 41 मिनट का इसका टाइमिंग देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है इसमें ऑटो 45 to 65 डिग्री। ये बेसिकली सेंसर कंट्रोल प्रोग्राम है जो ऑप्टिमाइज फॉर्म में जो वाटर का डेंसिटी चेक करके जितना भी आप यूटेंसिल को प्री रिंस करने के बाद चेक करता है उसका रिंसिंग वाटर का सॉइल डेंसिटी कितना है, देन उसके अकॉर्डिंगली ये अपना सारा पावर है उसको कैसे करना है कितने डिग्री पर रिंस करना है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई पर्सन ऐसा है जिसको डिशवाशर यूज़ करना नहीं आता कि कौन से यूटेंसिल्स पे कौन सा प्रोग्राम आपने रन करना है तो ये ऑटो पे डाल के आप उसको छोड़ सकते हैं। तो वो सेंसर कंट्रोल बेस्ड प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको प्रॉपर वॉशिंग के साथ साथ ड्राइंग का एफिशिएंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। देन थर्ड प्रोग्राम आपको उसमें देखने को मिलता है इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री। तो जितने भी आपके हैवीली सॉइल्ड डिशेज हैं कुकर कढ़ाई पतीले भगोने जितने भी हमारे बड़े इंडियन यूटेंसिल्स हैं वो आप सारा इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हो। इसके अंदर जो मशीन है पहले प्रिंस करेगी देन क्लीनिंग करेगी 70 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, उसके बाद इमीडिएट रिंस करने के बाद जो फाइनल रिंस करेगी वो 50 डिग्री टेम्परेचर में करेगी, देन उसके बाद आपको एफिशिएंट ड्राइंग रिजल्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी आपके हार्ड स्टेन हैं जो बिल्कुल ऑयली ग्रीसी वाले जितने भी आपके स्टेन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आपको क्लीन देखने को मिलेंगे। 2 घंटा 45 मिनट का टोटल इसका टाइमिंग रहता है। इसके साथ आप स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन भी आप एड ऑन कर सकते हो। स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन एड ऑन करने के बाद इसका टाइमिंग रह जाता है वो 1 घंटे 54 मिनट का रह जाता है, बट अगेन स्पीड के साथ है ही इसका पावर कंजम्पशन है वाटर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड इसी के साथ आप एक्स्ट्रा ड्राइंग का ऑप्शन भी आप एड ऑन कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि प्लास्टिक का यूटेंसिल्स है और अच्छा तरीके से आपको उसमें ड्राइंग रिजल्ट्स चाहिए तो यहाँ पर आप इसको ड्राइंग रिजल्ट्स को आप एड ऑन कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है इसमें एक्सपेक्ट 60 डिग्री का। तो एक्सपेक्ट 60 डिग्री का प्रोग्राम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी आपके मिक्स सॉइल यूटेंसिल्स हैं आप प्रॉपर तरीके से इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। 1 घंटा 35 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है एंड इसके अंदर जो मशीन है वो 60 डिग्री के अंदर क्लीनिंग करेगा इमीडिएट रिंस करेगा एंड फाइनल जो रिंसिंग होगा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में करेगा एंड प्रॉपर तरीके से ड्राइंग यूटेंसिल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आप स्पीड परफेक्ट मोड को आप एड ऑन कर सकते हो जहाँ पर आपका इसका टाइमिंग रहता है वो 1 घंटे 20 मिनट का रह जाता है, प्लस एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हो तो और ज़्यादा ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको बेटर देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सपेक्ट 45 डिग्री का। ये बेसिकली फास्ट प्रोग्राम है, लाइक आपके ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हैं या आपके कम गंदे बर्तन हैं वो सारा यूटेंसिल आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। तो टोटल 50 मिनट्स का इसके अंदर आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा एंड इसी के साथ जो मशीन जो आपका क्लीनिंग करेगी वो 45 डिग्री टेम्परेचर में करेगी, उसके बाद इमीडिएट रिंस करेगी एंड जो फाइनल रिंसिंग करेगी वो 50 डिग्री टेम्परेचर में करेगी। इस वाले प्रोग्रामिंग के अंदर आपको जो यूटेंसिल है ड्राई नहीं मिलेंगे, आपको वेट मिलेंगे, तो आपको मैनुअली उनको वाइप करना पड़ेगा। इसी के साथ स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन आप इसमें एड ऑन नहीं कर सकते हैं और इसके साथ अगर मैं आप एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन या करूँ तो एक्स्ट्रा ड्राई वाले ऑप्शन को आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं तो 4 मिनट का टोटल इसमें टाइमिंग बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ग्लास केयर 40 डिग्री का। तो जितने भी आपके एक्सपेंसिव ग्लासेज हैं क्रॉकरी हैं आप इस वाले स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आप उसको वॉश कर सकते हो। तो 1 घंटा 50 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है एंड वो क्रॉकरी है और यूटेंसिल्स आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वॉश होगा एंड वो उसका डैमेज होने का चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर जो मशीन है पहले प्रिंस करेगी देन क्लीनिंग करेगी 40 डिग्री टेम्परेचर में, उसके बाद इमीडिएट रिंस करने के बाद जो फाइनल रिंसिंग करेगी वो 50 डिग्री टेम्परेचर में करेगी एंड प्रॉपर तरीके से आपको जो आपके ग्लास के यूटेंसिल है वो ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें साइलेंस 50 का। 50 डिग्री टेम्परेचर में ये प्रोग्राम वॉश करता है। ये बेसिकली प्रोग्राम डिज़ाइन किया है साइलेंट वॉश के लिए। लाइक अगर आपको नाइट में डिशवाशर यूज़ करते हैं
तो यहाँ पर इसका जो साउंड डेसिबल है और ज़्यादा कम हो जाता है, मशीन का जो एफिशिएंसी वो मशीन धीरे धीरे वर्क करता है। तो यहाँ पर मशीन पहले प्रीरिंस करेगी, देन उसका जो क्लीनिंग होगा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में होगा। इमीडिएट रिंस करने के बाद जो फाइनल रिंस करेगी वो 35 डिग्री टेम्परेचर में करेगी, एंड सारा यूटेंसिल्स आपको इसमें अंदर ड्राई देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर आप परफेक्ट स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइमिंग जो आएगा 1 घंटे 50 मिनट का रह जाएगा, एंड एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि आपका 1 घंटा 58 मिनट का टोटल इसका टाइमिंग आपको देखने को मिल जाता है। देन फाइनल प्रोग्राम आपको मिलता है आपको फेवरेट्स का। फेवरेट प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने अपने सेटिंग्स अपने कस्टमाइज की होगी वो लास्ट सेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हो आप एक बटन से, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको प्रोग्राम को कस्टमाइज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये सारे डिस्प्ले इंडिकेटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला मिलेगा आपको प्रोग्राम रिमेनिंग टाइम इंडिकेटर, तो प्रोग्रामिंग का टाइमिंग कितना है मशीन आपको इंडिकेट करेगी डिस्प्ले में। सॉल्ट रिफिल इंडिकेटर देखने को मिलेगा, सॉल्ट जब खत्म हो जाएगा तो मशीन आपको इंडिकेट करेगी उसको रिफिल करने के लिए। रिनसेट रिफिल इंडिकेटर, रिनसेट भी खत्म हो जाएगा तो मशीन आपको इंडिकेट करेगी। टाइम डिले का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम डिले का फीचर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 4 घंटे बाद मेरा डिशवाशर ऑन हो जाए तो अकॉर्डिंगली आप टाइम सेट कर सकते हैं। प्लस मेमोरी बैकअप का फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि पावर रिज्यूम का फीचर है। सपोज आपने 1 घंटे का प्रोग्राम लगाया और 50 मिनट में लाइट चला गया और 5 मिनट बाद लाइट आया, तो ये डिशवाशर आपका वहीं से रिज्यूम हो जाता है। जनरली कुछ एक ब्रांड्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वहाँ पर उसमें मेमोरी बैकअप का फीचर नहीं है, तो अगर आपका लाइट जाके लाइट दोबारा आता है तो वो डिशवाशर अगेन अपना स्टार्टिंग से वर्क करना स्टार्ट करता है। बट बॉश के डिशवाशर के अंदर आपको पावर रिज्यूम का फीचर देखने को मिल जाता है। देन लास्ट में बात करते हैं इसके चाइल्ड लॉक की। इसके कंट्रोल पैनल को आप चाइल्ड लॉक लगा के लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो अगर कोई टच करता है डिस्प्ले को तो उसका जो प्रोग्राम है जो भी आपकी सेटिंग्स है वो आपको डिस्टर्ब ना हो, तो चाइल्ड लॉक करके आप इसके कंट्रोल पैनल को आप लॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो 1.5 इंची का एंगल वल्व का रिक्वायरमेंट रहेगा टैप कनेक्शन का, और इसके जो आपका इनलेट पाइप में आप देखेंगे तो एक्वा स्टॉप का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अगर वाटर का अनइवन फ्लो आता है, कुछ अगर ऐसा वाटर आता है कि लाइक आपको मशीन को अगर डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो उस फ्लो को भी ये सेंस करके एक्वा स्टॉप का फीचर को जो पानी का इनटेक वो इमिडिएटली स्टॉप कर देता है, तो वहाँ पर जो आपका डिशवाशर का डैमेज होने का चांसेस आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देन इसके पावर प्लग की बात करें तो 16 एम्पियर का इसके अंदर आपको पावर प्लग का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए। एक आपको ड्रेन होस का रिक्वायरमेंट रहेगा, प्लस जिसका TDS सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो H0 से लेकर S6 तक का आप TDS सेटिंग कर सकते हो कि कितना हार्ड आपके यहाँ वाटर है, तो वाटर के हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हो। सॉरी S7 तक इसके अंदर सेटिंग जाता है। तो अगर TDS लेवल अगर आपका 850 से कम है तो प्रॉपर तरीके से इस डिशवाशर को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट में बात करते हैं इस प्रोडक्ट की वारंटी एंड सर्विसेज की। तो टोटल 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। 2 साल तक कोई भी दिक्कत होता है तो सर्विस पर्सन के थ्रू आप उसको चेक करा सकते हैं। प्लस 10 ईयर का इसके अंदर आपको एंटी रस्ट वारंटी मिलता है। इसका अंदर का जितना भी कैविटी है उसका आपको 10 साल का वारंटी देखने को मिलता है। अगर 10 साल तक रस्ट लगता है तो आप ब्रांड से आप क्लेम कर सकते हैं।
देन लास्ट में बात करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की। तो 103,990 का इसका टोटल MRP है एंड बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन दिल्ली NCR के आसपास का है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के और वीडियोस मैं इन फ्यूचर लेके आता रहूँगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। गुड लक।